तो दोस्तों मैं आपको अब जो है तो जो EWS में फार्म मिलता है आपको जो तहसील में मिलेगा आपके यहाँ, ठीक है, जनपद पंचायत कार्यालय में या आपके जो तहसील लगते हैं नियर बाई वो तहसील में आपके फार्म आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि आप जो फार्म है अभी बहुत सुबह है, मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन भी बनता है। एक्चुअली अभी हुआ क्या, ऑनलाइन बन रहा है, कुछ जगह में बन भी रहा है और कुछ स्टेट में नहीं बन रहा है, मतलब जो प्रॉपर है वो प्रॉपर काम ये नहीं चल रहा है। अगर मैं बात करूँ MP की तो यहाँ पर अभी ऑनलाइन ही नहीं बन रहा है दोस्तों, हो सकता है कुछ जिलों में बन रहा हो, लेकिन अभी जो बात करता हूँ यहाँ पर सतना वगैरह रीवा सतना यहाँ जो है तो EWS अभी ऑफलाइन ही बनाया जाता है। ऑफलाइन का मतलब वो नहीं है कि आपको जो है तो ये जैसे होता था जब शुरू शुरू में आया था, तो ये जो मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये ही आपको जो है तो वो करके दे देते थे। यहाँ पर आपको जो साइड में है यहाँ पर लिखा है कार्यालय तहसील, ये तहसीलदार का माननीय तहसीलदार के यहाँ पर साइन और मुहर वगैरह लगा के दे देते थे। लेकिन अभी जो एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी जो बात करने में पता चला है, मैं वहाँ पर गया था तहसील में, तो वहाँ पर बताया गया कि जो फॉर्म है आपको पूरा जमा कर दोगे आप और इसके बाद जो है तो ऑनलाइन आपको मिलेगा लोक सेवा केंद्र के द्वारा। अभी जो ऑनलाइन हुआ है प्रोसेस में है, हो सकता है फिर बाद में अप्लाई करने के लिए कुछ ऑप्शन ऐसे दे देगा, पर हालांकि अभी तो नहीं है। पर फिर भी ऑफलाइन कैसे बनाएगा तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको ये जो फॉर्म दिख रहा है दोस्तों, इसमें ये चीज़ सब भरना पड़ेगा आपको। सबसे पहला ये फॉर्म है आपको, यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग जो नोटिफिकेशन 2019 का है कि यहाँ मध्य प्रशासन ने दिया था, वो सब चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए जो आपको समझ में नहीं आते वो मत भरिए, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ है जैसे आपका नाम क्या हो गया, आपका पिताजी का नाम हो गया, आपका गाँव का नाम हो गया, पोस्ट ऑफिस आपका हो गया, थाना हो गया, पिन कोड हो गया, ये सब आपको डालना है। यहाँ पर कुछ शर्तें लिखी गई उसको हम समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला शर्त यहाँ पर जो बताया गया है कि आपके पास जो है तो 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि है जिसके खसरे में 3 साल से लगातार उत्तर प्रदेश अंकित तो शामिल नहीं होगी। 5 एकड़ से ज़्यादा आपके पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए, आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी इसमें बात करते हो सेकंड पॉइंट में कि जिसके पास 1200 फुट वर्ग फुट का जो अधिक का जो आवासीय प्लाट होता है दोस्तों, या फ्लैट मकान है, ये सब आपको जो है तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी सेकंड में बात करते हो और नगर निगम क्षेत्र में हो तब ये मान रहेगा दोस्तों। गाँव वगैरह की बात यहाँ पर नीचे की जा रही है, जिसके पास जो नगर पालिका जो है 1500 वर्ग फुट से अधिक का आवासीय मकान फ्लैट हो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। नगर परिषद क्षेत्र में 1800 वर्ग से ज़्यादा का आवासीय ये भी आप नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए जो जाति वगैरह यहाँ पर जैसे श्रीमान श्रीमती, यहाँ पर आपको नाम अपना स्वयं का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर तो स्वयं का आपका नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पर जाति में अगर आप दुबे वगैरह है तो ब्राह्मण आएगा, तिवारी वगैरह सभी में लगभग ब्राह्मण ही आएगा, लेकिन आप जो है तो कन्फर्म करना पहले अपने पटवारी वगैरह से, अपने घर में कन्फर्म करने के बाद ही सब कुछ आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जो है तो ये तहसीलदार का काम रहेगा, माननीय तहसीलदार महोदय जो भी है तो यहाँ पर वो करेंगे, उनका जो है तो यहाँ पर कार्यालय का मुहर लगाया जाएगा, प्लस यहाँ पर साक्षर होगा, पूरा नाम होगा, पद नाम होगा, और ये तो यहाँ पर जो भी साइन आपका लग जाएगा उनका लगेगा तहसीलदार का। दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ, ये केवल 1 प्रति है, ऊपर वाला फ्रंट पेज में आपको दिखा रहा था, दूसरा पेज आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये जो है इसको मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये क्या है, सेकंड प्रमाण पत्र है, ठीक है, इसका जो डॉक्यूमेंट है क्या क्या लेगा उसका भी मैं आपको बता दे दूँगा, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पर भी सेम है आपको जो, तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो क्या लिखा है, आवेदन पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र है, ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा जानकारी रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो उपखंड अधिकारी राजस्व का तहसीलदार गुढ़ है, ठीक है, जिला रीवा मध्य प्रदेश में आय एवं प्रमाण पत्र आपका नाम वगैरह आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भरना है आपका स्वयं का नाम हो गया, माता या पिता का नाम डाल सकते, दोनों में से कोई एक का डाल सकते हो। अगर आपकी शादी हो गई तो आप जो है तो यहाँ पर पति, अगर आप जो है तो पत्नी का या पति का जिसका शादी मेल फीमेल में अलग अलग मैच करेगा यहाँ पर आप डाल सकते हो। नेक्स्ट में बात करते हैं तो अवयस्क भाई बहन है जो, अगर उसका नाम डाल तो डालना चाहते डाल सकते हो, पुत्र पुत्री है अगर आपके पास उसका भी डाल सकते हो। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है कि आपके जो परिवार की कुल आय है दोस्तों, यहाँ पर केवल आपकी यानी आपके जो परिवार है उसका कुल आय कितना है, तो ये कैसे पता चलेगा, तो आपको तहसीलदार से जो है तो बनता है आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र में ये जानकारी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 40,000 है यहाँ पर अपना, तो लिख सकते हो आपको जो भी है वो लिख सकते हो आय प्रमाण पत्र से। बाकी यहाँ पर जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो पटवारी से आप समझ लेना, या कि तहसील में जाओगे तो वहाँ पर बहुत से नोटरी वगैरह है भरने वाले मिल जाते हैं, तो आपको जो समझ में नहीं आता है उनसे भी बात पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड में आपको बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट में आवेदक का विवरण, माता पिता भाई बहन के नाम लिखे, छात्र का नहीं, ठीक है, तो ये सब आवेदक का पूरा नाम, आवेदक पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालेगा, आधार नंबर, आवेदक का आपका वर्तमान पता कहाँ पर है, मकान आपका कहाँ पर है, वर्तमान पूरा एड्रेस, क्षेत्र है, ग्राम है, ग्राम का नाम,
वार्ड क्रमांक डाल दोगे। अब सेकंड में बात थर्ड में यहाँ पर पॉइंट है कि जिसके नाम पर जो है तो आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जिया के उसका पुत्र भाई बहन पाल्या। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जिसके नाम पर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है उसका विवरण, ठीक है। या यदि आपके आय का प्रमाण पत्र स्वयं का बना है तो स्वयं का नाम आ जाएगा, पिताजी के नाम से आय प्रमाण पत्र बना तो पिताजी का आ जाएगा। वह यहाँ पर हिंदी में पिता का नाम डालोगे फिर इंग्लिश में, ये सेम प्रोसेस बहुत ही आसानी से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। या मैं आपको बता दूँ कि जो भी दिक्कत आपको होती है जैसे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगी, तहसील तो ठीक है आप भरोगे, पटवारी हल्का नंबर वगैरह हो सकता है आपको पता ना हो तो आप डायरेक्ट पटवारी से जो चीज़ों को समझ लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो नीचे मैंने यहाँ पर साइन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर साइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं वहाँ पर गया था तो उन्होंने बताया था यहाँ पर आपको साइन आपका आपका नेम और मोबाइल नंबर वगैरह भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और लास्ट में आपको बता दूंगा कि जो भी इसमें क्या है क्या क्या आपको रिकॉर्ड रखना है वही सब आपको रिकॉर्ड देना है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए तीसरे फॉर्म के यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, तीसरा फॉर्म देखिए ये हो गया तीसरा फॉर्म। ये तीसरा फॉर्म की मैं बात करता हूँ, अगर आपका जो आवेदन करदाता वगैरह है नहीं तो अगर आप कर देते हैं तो ऐसे भी इस फॉर्म को आज होता है EWS आपका नहीं बनेगा तो यहाँ पर आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आवेदक संपत्ति ये लागू होते हैं तो नहीं तो आपको नहीं करना है। आपका समग्र आईडी नंबर डाल देना है, हितग्राही का समग्र आईडी नंबर, ठीक है। इसके बाद मेरे मेरे आमदनी 30 कितना है आप प्रमाण पत्र में यहाँ पर आमदनी कितने वो डाल दोगे आप। अब बाकी यहाँ पर कितना भूमि है वो यहाँ पर डाल देंगे पटवारी से, आप समझ के वो चीज़ डाल देना, कोई अपने से हड़बड़ाहट में गलती मत करना क्योंकि फार्म खरीदे हुए 30-40 रुपये का फार्म मिलता है तो ऐसा मत करना। अब यहाँ पर देखिए ये जो है दोस्तों मैं बता दूँ कि आयन सब यहाँ पर आप पटवारी से भरवा सकते हो अपने से भर सकते हो, लेकिन हो सकता है आपको जो बुक रहता है वो समझ में नहीं आएगा तो आप एक काम करना पटवारी से ही थोड़ा समझ के उनको अच्छे से करके, या आपको जो तहसील में जाओगे तो बहुत से आदमी रहते हैं उनको अच्छा नॉलेज रहता है, उनसे आप जानकारी लेके यहाँ पर पूरा ग्राम का नाम, अराजी नंबर, रकवा, भूमि स्वामी का नाम, आवेदक का संबंध, ये चीज़ आप यहाँ पर से डलवा सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है तो ये पूरा डिटेल वही कोई अच्छे आदमी डलवाना जिसको नॉलेज हो। बाकी यहाँ पर जो आप डालोगे तो यहाँ पर आपका नाम साइन आ जाएगा, आपका नाम और मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, ये तीसरा फॉर्म था, अगले फॉर्म की बात करते हैं, ये चौथा फॉर्म हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर मैं बता दूँ क्या क्या आपको करना पड़ेगा। अब इस फॉर्म का आप ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली क्या है कार्यालय ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, मतलब अगर आपका गाँव का जो सरपंच है मुखिया है वो इनको वेरीफाई करेंगे, फॉर्म आप लेके जाओ यहाँ पर सचिव है सरपंच के द्वारा, दोनों में से कोई एक से आप करवा सकते हो तो वहाँ पर वेरिफिकेशन आप करवाओगे कि हाँ हम सही है EWS के लिए हम पात्र है, तो सरपंच के द्वारा यहाँ पर सील मोहर लगाया जाएगा और ये जो है तो फॉर्म भी उन्हीं के द्वारा भरा जाना है। बाई चांस कभी भी नहीं भरते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है कि नहीं भरा तो नहीं चलेगा, आप अपने से ही भर सकते हो, किसी जानकारी व्यक्ति से भरवा सकते हो। बाकी जो भी है नीचे यहाँ पर तो उनका साइन वगैरह लगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखते हो ग्राम पंचायत का ये काम पूरा रहने वाला है। तो नीचे आते हैं अपन तो ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पर क्या क्या है, पैन कार्ड नंबर दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो मेन रिकॉर्ड इसमें पैन कार्ड का बार बार जिक्र करा है तो पैन कार्ड आपको जो है तो आपका अगर नहीं बना है तो बनवा लो, और अगर बना है तो पैन कार्ड नंबर लगा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आयकर वगैरह तो आपको आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि पंचायत सचिव सील सहित ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, यानी यहाँ पर पंचायत का जो सचिव है उनका साइन लगेगा प्लस उनका जो सील है वो भी लगने वाला है। यहाँ पर अगले फॉर्म की बात करते दोस्तों, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, अगला फॉर्म जो है पटवारी जी का है तो यहाँ पर आप इसको देख लो, ये यहाँ पर आप देख सकते हो पटवारी हल्का जो है तो ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा गया है कि कार्यालय पटवारी हल्का जो भी है वो सब पटवारी भरेगा, ये फॉर्म पटवारी के लिए आपको देना है, उनसे भरवाना है आय एवं संपत्ति का, ये हुआ सब डालेंगे ज़मीन का। एक काम करना आप जब भी जाओगे तो जो आपका वो होता है क्या बोलते हैं उसको, खतौनी है, खसरा है, B1 है, ये तीनों आपको लेके जाना है, और हो सके तो जो बुक मिलता है आपको ठीक है तहसील के द्वारा आपको ज़मीन वगैरह की डिटेल रहता है वो बुक भी आपको साथ में लिए रहोगे तो ठीक है, बाकी इसमें कुछ जमा वमा नहीं होगा, लेकिन अगर लिए रहोगे तो क्या है पटवारी वगैरह की जो चीज़ें यहाँ पर डालने के लिए ये आपको उनको आसानी होगी तो आपको दोबारा बार बार वही चीज़ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत से लोग गलती करते ले के नहीं आते, इसका इनको जानकारी नहीं होता, बाद में इनको इधर उधर बार बार करना पड़ता है। तो नेक्स्ट फॉर्म यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, ये जो फॉर्म रखा गया है ये आपको पूरा तो नोटरी के द्वारा यह रहेगा, थोड़ा लाइट येलो में दिख रहा होगा आपको, पूरा वाइट है ये नोटरी के द्वारा, और तहसील में आप जाओगे ठीक है, ये शायद पाँचवा फॉर्म है तो ये नोटरी के द्वारा भरा जाएगा। नोटरी के द्वारा आपका नाम यहाँ पर देख सकते हो, पिता का नाम, आपका उम्र कितना है, शपथ करते हैं आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, आप पूरा यहाँ पर आ जाएगा ठीक है। ये
आपको इसमें कुछ नहीं करना है, नोटरी के पास जाओगे वो 45 रुपये या 50 रुपये लेंगे, ठीक है। वो आराम से फॉर्म भर दोगे और ये जो फॉर्म आप खरीदोगे उसका जो प्राइस है वो 30 रुपये है, ठीक है। 5 से 6 पर जो भी है 30 रुपये का आपको फॉर्म लेना पड़ेगा पटवार। ये जो नोटरी से आप साइन करवाओगे तो इसमें आपको कम से कम 50 रुपये तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद दिया हूँ तो मुझे इतना जानकारी है। बाकी अलग अलग जगह में अगर ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना तो लगेगा ही दोस्तों, क्योंकि ऐसा मेरे सामने और भी लोग आए थे जो बनवा रहे थे तो इतना तो ले ही रहे थे मिनिमम, ठीक है। नोटरी का आपको इतना देना पड़ेगा। इस तरह से नोटरी को दोगे तो पूरा इसको रेडी करके दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हो साइन वगैरह भी नोटरी जी का लगा हुआ है, पूरा शपथकर्ता में आपका हस्ताक्षर यहाँ पर कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हो आपका हस्ताक्षर लग जाएगा। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फार्म में, तो नेक्स्ट फार्म में ये जो है तो आधार कार्ड वगैरह आपका हो गया, ठीक है। आधार कार्ड में आप क्या क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट में आपको बताया था कि आधार कार्ड आपका लगेगा, ठीक है। फ़ोटो कापी लगेगा आधार कार्ड का, आपका जो 10th का मार्कशीट है वो लगेगा, आप क्योंकि जन्म डेट ऑफ बर्थ का मैच करने के लिए बराबर है कि नहीं है। पैन कार्ड आपका फ़ोटो कापी लगेगा और सभी का एक एक प्रति लगेगा। समग्र आईडी का आपका पूरा फ़ोटो एक लगेगा और आपका एक पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है वो आपको लेके जाना है, क्योंकि आपको फ्रंट पेज में मैंने दिखाया सबसे ऊपर जो पहला फॉर्म था उसमें लगने वाला है। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, निवास प्रमाण पत्र है तो लगेगा आपको, कोई ज़रूरी नहीं किया गया लेकिन अगर है तो आप लगा दोगे। तो यही सब चीज़ें लगने वाली है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। पर यह है कि थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार रिकॉर्ड में दिखाए थे देख सकते, आधार कार्ड है, आय प्रमाण पत्र है, 10th का मार्कशीट है, समग्र आईडी हो गया अपना, ये B1 वगैरह का फोटो कापी है, आपको जो B1 है या खसरा खतौनी जो भी है इन दोनों का आपको जो है तो फोटो कापी एक एक कापी करवा के और पीछे इस फॉर्म में ले जाना है, क्योंकि ये लगने वाला है, यहाँ पर जमा होगा तो यहाँ पर देखिए मैंने करवा लिया है। तो ये सब चीज़ें लगने वाले दोस्तों EWS में आपको बनवाने में कोई भी दिक्कत आती है कमेंट्स करके बताओ आप, क्योंकि इसमें एक एक जानकारी दिया हूँ। और रही बात खर्चे की कि इसमें कितना खर्चा आने वाला है, दोस्तों इसमें ज़्यादा तो खर्चा नहीं आएगा, और क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो कहीं कहीं क्या है कि ज़्यादा भी ले लेते हैं, लेकिन जो उचित रेट है वो उचित रेट ये है कि यहाँ पर जो तो 30 रुपये फार्म का हो गया और आपको जो 40 से 50 रुपये जो लगता है नोटरी का, तो लगभग आपको वही 100 रुपये के अंदर ही खर्चा आता है इसमें। और बाई चांस अगर कहीं पर ज़्यादा ले रहे हैं तो हो सकता है 10-20 रुपये का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा तो फ़र्क देखने को मिलना नहीं चाहिए, मतलब ये आपका लगभग 100 के अंदर ही बन जाएगा, 100 से 150 में आपका जो है EWS फॉर्म बन जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कितना टाइम लगेगा, तो टाइम की अगर बात करें तो कोई फिक्स नहीं रहता। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही करवाया था, लेकिन मैं गया वहाँ पर पंचायत सचिव के पास तो उनके पास क्या सील वगैरह ही नहीं था इधर उधर, तो वही मेरा फॉर्म अभी वहाँ पर रखा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो है तो पटवारी भी कभी कभी क्या रहता है तहसील में, उनको फील्ड वर्क रहता है, कभी ऑफिस में आते नहीं आते, तो उनसे आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पटवारी अगर साइन लेगा तभी अप्रूव हो पाएगा। तब अब देखिए फाइनल जो प्रोसेस का है, फाइनल प्रोसेस आपको होता क्या है कि जैसे फॉर्म वगैरह पूरा पटवारी का, पंचायत सचिव के सब साइन अगर आप करवा लेते हो तो इसके बाद आपको लोक सेवा केंद्र जो होता है तहसील आपका नियर बाई वहीं पर आपको लोक सेवा केंद्र में जमा कर दोगे 102 दिन में आपको जो है तो, और ऑनलाइन वाला मिल जाएगा उसमें आपका फ़ोटो वगैरह भी रहेगा। मैं जब मेरे को मिलेगा दोस्तों तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा कितना मेरे को टाइम लगेगा, तो एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई जानकारी पूछना है तो आप पूछ सकते हो बेधड़क। EWS सर्टिफिकेट मैं बता दूं कि जो भी जनरल से है, अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हो तो EWS सर्टिफिकेट बनवा लो दोस्तों, क्योंकि 10 से 5 नंबर का डायरेक्ट फ़ायदा होता है और आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है आप। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो दोस्तों 1 साल की होती है, यानी आप एक वित्तीय वर्ष 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक ये तो वैलिडिटी रहती है इसकी, हर वित्तीय वर्ष में आपको अलग अलग बनवाना पड़ता है। और यहाँ पर बहुत से भाई हमारे कमेंट करेंगे कि जो है तो मतलब अलग अलग जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट का अलग अलग बनेगा क्या, तो ऐसा हालांकि अभी कुछ जगह में ये सब स्थिति साफ नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसा भी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। बट हाँ ये है कि जिन्होंने यहाँ पर तहसील में वो चीज़ पूछा, जानकारी लिया, तो उन्होंने क्या मुझे ऐसा लगा कि उनको भी क्लियर जानकारी नहीं है, ठीक है। पटवारी जी से मैंने पूछा ये सब कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब होता है उसके लिए अलग बनवाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या संतोषजनक जवाब नहीं दिया, मुझे ऐसा लगा कि उनको भी मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है, अभी मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, और मैं वहाँ तहसील में और भी अधिकारी जो बैठते हैं उनसे भी बात किया, तो उन्होंने भी कहा कि
किसी ने कहा कि इंग्लिश वर्जन इसका चल जाएगा, पीछे साइड वो इंग्लिश में रहेगा और जो ऊपर रहेगा वो स्टेट के लिए रहेगा हिंदी वाला, और इंग्लिश वाला जो रहेगा तो अदर में भी लग जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो देखिए ये चीज़ कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा, जब फाइनली मेरा वो मिल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर जो एमपी के है खासकर उनके लिए अच्छा वीडियो है, हालांकि हर जगह का प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है, कुछ चेंजेस मिल जाएगा। तो आप वीडियो सर्टिफिकेट बनवा लो दोस्तों, बाकी जो भी आपका प्रॉब्लम कुछ आता है तो आराम से मेरे को कमेंट्स करो, मैं आपको पूरा जानकारी दे दूँगा।